पल्लवी, मुझे लगता है तुम्हें सबको बता देना चाहिए, जब पुराने रिश्ते टूटते हैं तो बहुत दर्द होता है। तुम अपने बच्चों को इस तरह दर्द में तड़पते अकेले नहीं छोड़ सकती। उन्हें बता दो ताकि वो अपना दर्द अपनी माँ के साथ बांट सके। मैं जानती हूँ मैं स्वार्थी बन रही हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों की आंखों में रोज रोज अपनी मौत नहीं देख सकती शारदा। मैं समझ सकती हूँ, चलना होगा। करण साक्षी भी मेरा इंतजार कर रहे हो। मत जाओ। नहीं शारदा, मत जाओ, इस घर को छोड़ के मत जाओ। ये घर नहीं, ये तुम्हारा मंदिर है शारदा। इस घर के साथ तुम्हारी यादें जुड़ी है, तुम्हारी बच्चों की खुशियां बसी है इस घर में, उनकी यादें जुड़ी है। मत जाओ शारदा, प्लीज प्लीज, ये तुम्हारा घर है। जिस इंसान की वजह से मेरा इस घर से रिश्ता जुड़ा था, जब उस इंसान के साथ ही मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, तो मैं ये झूठा दिखावा नहीं कर सकती कि सब कुछ पहले जैसा है। नहीं पल्लवी, मैं इस घर में कभी भी वापस नहीं आ सकती। मैं मानती हूँ महेश ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन इन सब के बीच में जाने अनजाने में एक और रिश्ता बन गया है, तुम्हारा और मेरा। तो इस रिश्ते के लिए तुम इस घर में वापस आ जाओ शारदा। हॉस्पिटल में हमारी बातें अधूरी रह गई थी शारदा, तुमने जिस तरह से इन हालातों को संभाला शायद मैं नहीं कर पाती। शनाया ने तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत किया, लेकिन तुमने उसे इस तरह से संभाला, उसे माफ किया। तुम सच में महान हो शारदा, तुम्हारी जैसी माँ मैं नहीं बन सकती थी। तुमने जिस तरह से अपने बच्चों की परवरिश की है, उनमें इतने अच्छे संस्कार डाले शारदा। मैं चली जाऊंगी तो मेरे बच्चे बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे वो। बोलो शारदा, क्या तुम मेरे बच्चों को अपनाओगी? क्या तुम उनकी मां बनोगी शारदा? हे भगवान, मैं क्या करूं? ऐसे में उन मासूम बच्चों की क्या गलती है? वो तो अपने सबसे अनमोल चीज खोने वाले हैं। अगर ये सब मेरे बच्चों के साथ होता तो उनपे क्या बीतती? उन्हें ऐसे में माँ की जरूरत होती। नहीं नहीं, मैं उन बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। बोलो शारदा, प्लीज। पल्लवी, कुछ रिश्ते अनजाने में जुड़ जाते हैं, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। तुम्हारी जगह तो मैं उनकी जिंदगी में कभी नहीं ले सकूंगी, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं उन्हें माँ का प्यार देने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं उनमें और अपने बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं रखूंगी। मैं वादा करती हूँ पल्लवी, मैं उनकी माँ बनूंगी। लेकिन पल्लवी, मेरी एक शर्त है। बोलो शारदा, बोलो, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तुम ये बात अब किसी से नहीं छुपाओगी, तुम सबको सच सच बता दोगी। तुम पहले भी बहुत कुछ सह चुकी हो, मैं नहीं चाहती कि बीमारी से पहले ये दर्द तुम्हारी सांसें छीन ले। सबको बता दो पल्लवी। नहीं शारदा, मैं ये दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चों की मायूसी नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
जी मैं एडवोकेट पटेल के ऑफिस से आया हूँ। क्या काम है आप? जी ये कुछ पेपर्स हैं जो पल्लवी मैम ने अर्जेंटली मंगवाए थे। लाइए मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूँ। जी आप? जी मैं उनकी बेटी हूँ। श्योर। चिराग को भी शेयर दिया। Now I'm sure, वो शारदा ना मॉम को कोई ना कोई पट्टी जरूर पढ़ा रही है। अब जब तक मुझे सब चीजों का एक्सप्लेनेशन ना मिल जाए ना, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। बेटा आइए तो खाना खा के जाना। नहीं माँ जी, बहुत देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। जीते रहे, खुश रहे। मैं चलती हूँ माँ जी। एक मिनट। क्या है ये? क्या हुआ? आप सबको बताएंगी या मैं बताऊं? और बेटा क्या है ये? मॉम ने जो विल बनवाया है, जिस प्रॉपर्टी पर सिर्फ मेरा और आरव का हक था, आपको फंसाकर उस प्रॉपर्टी में से इसने करण, लतिका और चिराग को भी हिस्सेदार बना दिया। ये क्या कह रहे? ये सब कुछ शारदा ने नहीं, मैंने किया है अपनी मर्जी से। और इतना ही नहीं, तुम में से कोई भी शारदा के सिग्नेचर के बिना एक पैसा नहीं निकाल सकता। औरत की बात अभी मत आइए। इसे ना दूसरों को अपने इशारों पर खूब नचाना आता है। इसने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी और आप इसकी बातें सुन रही है? नो मॉम नो, आप किसी वक्त इसे घर से और अपनी लाइफ से निकालकर फेंक दीजिए। ये यही डिजर्व करती है। शनाया प्लीज। मॉम आपको याद है हम कितना खुश रहा करते थे ना मॉम? सब कुछ कितना अच्छा था। औरत ने आकर सब कुछ खत्म कर दिया। I just wish कि मर जाए कहीं जाके। शनाया, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। आप क्यों सॉरी बोल रही है? सॉरी तो इसे बोलना चाहिए। मॉम, मॉम, मॉम क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही है मॉम? ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों से कुछ बात करनी है। आरा, यहाँ। क्या हुआ मॉम? हाँ मॉम, कहिए ना मॉम, क्या कहना है आपको? मुझे बोन कैंसर हुआ। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है।
मरने वाली। मुझे ये सब कुछ तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं नो मॉम नो, झूठ बोल रही हैं आप मॉम, ये सच नहीं हो सकता मॉम, क्या कह रही हैं आप, ये सच नहीं हो सकता। शनाया मॉम, आप झूठ बोल रही है ना मॉम, प्लीज मॉम ऐसा मत बोलिए मॉम, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती मॉम, मॉम प्लीज मॉम, प्लीज मॉम। पल्लवी ये सब कैसे हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने शारदा को बताया लेकिन मुझे बताना ठीक नहीं समझा। अरे मुझे माफ कर दो पल्लवी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। पल्लवी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मैं कुछ करता, मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा पल्लवी। बोलो पल्लवी बोलो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी महेश, प्लीज मुझे अकेला छोड़। साक्षी मॉम का अभी तक कॉल नहीं आया। हाँ करण बहुत देर हो गई है, आप उन्हें फोन कीजिए ना। हाँ ओके। करण का फोन है। हेलो मॉम, अब इतनी देर हो गई आपने कॉल नहीं किया, अब मैं आ जाऊँ आपका हॉस्पिटल लेने? मॉम आप कुछ बोलती क्यों नहीं? हेलो मॉम, हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक है ना? बेटा मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ। क्या तो फिर कहाँ हैं आप? घर पे हूँ मैं। घर में? लेकिन किसके घर में? बेटा मैं हमारे घर पे हूँ, मैं दादी के पास हूँ। आप वहाँ क्या कर रही हैं? मैं जब मिलूंगी तो तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, अभी साक्षी और तुम यहाँ आ जाओ। लेकिन क्यों मॉम? बेटा आ जाओ। ओके। क्या हुआ करण? मॉम दादी के पास हैं और हम दोनों को भी वहां बुलाया। शनाया प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज शनाया, शनाया मुझे अंदर आने दो, शनाया शनाया प्लीज मेरी बात तो सुनो, शनाया प्लीज शनाया। पल्लवी उसे इस सच का सामना करने में थोड़ा वक्त लगेगा कि उसकी माँ इतनी बीमार है, जब उसे इस सच का सामना करने की शक्ति आ जाएगी तो वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगी। तुमने सही कहा था शारदा, मुझे अपने बच्चों को बहुत पहले बता देना चाहिए था, धीरे धीरे उनकी बात समझ में आती कि उनकी जिंदगी में उनकी माँ का साथ बस कुछ दिन और ही है। पल्लवी तुम्हें जो सही लगा तुमने वही किया, उसके बारे में मत सोचो तुम। देखो तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, तुम्हें आराम करना चाहिए, शनाया आएगी तुम्हारे पास।
और अब बेटा नहीं रोते। देख तू तो बहादुर बच्चा है ना, तेरी माँ की तरह बहादुर है ना। नहीं रोते बेटा, नहीं रोते। तुम आराम करो, परेशान मत हो, शनाया समझदार है, धीरे धीरे संभल जाएगी वो। आरव तो ठीक है ना? चिराग और माजी उसके साथ है, वो संभाल लेंगे उसे। और वैसे भी बहादुर माँ का बहादुर बेटा है वो। मुझे शनाया के लिए बहुत डर लग रहा है, बस वो समझ जाए। तुम चिंता मत करो मॉम। बेटा मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी, अकेले में। रुको शारदा, कहो बेटा, तुम्हें जो कहना है तुम शारदा के सामने कह सकते। मॉम बाय। मुझसे आपने पहले ये सब कुछ क्यों नहीं बताया मॉम? प्लीज डोंट गो मॉम, मुझे और आरव को ऐसे अकेला छोड़कर मत जाइए ना मॉम, प्लीज मॉम, हमें आपकी जरूरत है मॉम, हमें हमारी मॉम की जरूरत है, प्लीज डोंट गो ना, प्लीज। तुम दोनों अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ होगी, तुम्हारी शारदा माँ। नो मॉम, ये क्या कह रही है आप? नो। हाँ बेटा, तुम्हें और आरव को शारदा को अपनी माँ की तरह अपनाना होगा, प्लीज। नो मॉम, दैट्स नॉट पॉसिबल मॉम, आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता मॉम, इनफैक्ट वर्ल्ड में कोई भी औरत आपकी जगह नहीं ले सकती मॉम। नो। मैं समझ सकती हूँ शनाया, समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे अब जाना होगा, और तुम्हें और आरव को शारदा को अपनी माँ मानना ही होगा, फॉर माय सेक। नो मॉम, नो। Don't you dare touch me, okay? मेरी मॉम सिर्फ मेरी है, उनके अलावा कोई मेरी मॉम नहीं हो सकती, कोई भी नहीं। शनाया, मॉम ये सब क्या हो रहा है?